Student welcome back, student. We had already start our unit 9 and we had completed activity 1, 2, 3 and 4. And also write the question answer in textbook. Now we will start activity number 5 on page number 68. Here is the story of Akbar and Birbal. स्टूडेंट आपने अकबर एंड बीरबल की बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी उसमें अकबर और बीरबल की स्टोरी में हमें बीरबल का विजडम है वो देखने को मिलता है अकबर कभी भी उसे कुछ प्रॉब्लम हो कभी भी उसे कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसका सॉल्यूशन उसके पास न हो तब तो वो बीरबल को देता है और बीरबल अच्छे से उसको वो फाइंड करके देता है तो यहाँ पे देखेंगे कि वो आज कौन सी ऐसी सिचुएशन है और जिसे बीरबल है वो शोल कर देता है नाव लेट्स वन फाइन डे अकबर लॉस्ट इज रिंग अब एक दिन की बात है कि अकबर उसकी रिंग खो देता है आई मीन उसकी रिंग वो खो जाती है वेन बीरबल अराइव इन द कोर्ट अकबर टोल रिंग आई हैव लॉस्ट माय माई रिंग अब बीरबल है जब उसके कोर्ट में आई मीन उसके दरबार में आता है तब अकबर उसे कहता है मेरी रिंग है वो खो गई है माई फादर हैड गिवन इट टू मी एज अ गिफ्ट मेरे पिता ने उसे गिफ्ट के तौर पे वो रिंग दी थी प्लीज हेल्प मी फाइंड इट तो आप मुझे ये रिंग फाइंड करने में हेल्प करो बिरबल से डो नॉट वरी योर मजिस्ट्री आई विल फाइंड योर रिंग राइट नाउ मजिस्ट्री एक राजा के लिए यूज किया हुआ वर्ड है कि मेरे मजिस्ट्री आप जरा भी टेंशन मत लो जरा भी चिंतित मत हो मैं अभी आपकी रिंग फाइंड कर देता हूँ अब यहाँ पे देखो हमें पिक्चर में दिख रहा है कि जो अकबर है आई हैव लॉस्ट माई रिंग माई फादर अ गिफ्ट प्लीज हेल्प मी ये कौन बोलता है अकबर बोलता है और ये डोंट वरी योर मेजेस्टी आई विल फाइंड योर रिंग राइट right नाव ये कौन बोलता है बिरबल बोलता है तो ये दोनों सेंटेंस के द्वारा स्पीक किए हुए हैं दिन क्या होता है इज साइड अब वो कहता है योर मजिस्ट्री द रिंग इज हियर इन दिस कोर्ट इट शेल्प वो राजा का कहता है कि राजा आपके रिंग यही आपके कोर्ट आपके दरबार में ही है इट इज विथ वन ऑफ द कोर्टियर्स और वो यहाँ पे खड़े आपके दरबारियों में मेसेज कोर्टियर्स मीन के राजा के दरबार में जो दरबारी होते हैं वो उनके पास ही है द कोर्टियर वो वॉज अ स्ट्रो इन इज़ बैड एज हिज हैज़ योर रिंग क्या कहते हैं कि द कोर्टियर वू हैज़ अ स्ट्रो इन हिज बियर्ड हैज़ योर रिंग कि जो यहाँ पे दरबारी खड़े हैं उनमें से जिसकी बियर्ड बियर्ड यानी कि दाढ़ी जिसकी दाढ़ी में स्ट्रो है उसकी उसके पास आपकी रिंग है तो

इसलिए वो फटा आ, जैसे वो कहता है ना तो इमिडियटली वो अपना हैंड है वो अपने बियर्ड पे मूव करता है बीरबल नोटिस एक्ट ऑफ़ द और इसी बात को वो आ, नोटिस करता है तो आपको यहाँ पे कुछ लाइट होती है क्या हुआ अग, ये तो सिर्फ उसने वो जो रिंग चुड़ाई थी उसको पकड़ने के लिए कहता था एक्चुअली किसी की आ, बियर्ड में स्ट्रो नहीं थी इसने ऐसा कहा कि जिसने आपकी रिंग चुराई है उसकी बे बियर्ड में स्ट्रो होगी उसकी दाढ़ी में ऐसी स्ट्रो होगी तो जिसने रिंग चुराई थी उसको शंका हुई और फटा फटाफट अपनी दाढ़ी में देखने गया कि कहीं स्ट्रो तो है नहीं ऐसे क्या हुआ कि वो जो चोर था वो पकड़ पकड़ा गया इमीडिएटली पॉइंटेड टू वर्ड द कोर्टियर एंड सेड अचानक फौरन ही वो उसे मार्क करता है और कहता तो है कि ये रहा कोर्टियर आपका कि जिसने पॉइंटेड करता है इशारा करता है अकबर को

वो अपने आप को यानी कि डरा हुआ महसूस करता है डरा हुआ मालूम पड़ता है वो खुद ही सामने आ जाता है थिंक दैट द अकबर गेव यू टास्क टू फाइंड हिज रिंग वट वुड यू प्लान टू फाइंड आउट रिंग मानो के अकबर राजा ने आपको रिंग फाइंड करने के लिए की होती तो आप क्या करते थिंक तो आपको बेसे थिंक करना है कि आप क्या करते है? तो यहाँ पे उसकी जो विजडम है उसकी वजह से बीरबल की विजडम की वजह से अकबर राजा को उसकी रिंग मिल जाती है पूरी स्टोरी समझ में आ गई एक्चुअली में उसके स्ट्रो में सॉरी उसकी बेड में कुछ कोई स्ट्रो नहीं थी बट जैसे ही वो कहता है तो जिसने रिंग चुराई थी वो फौरन देखता है कि कहीं मेरी दाढ़ी में तो स्ट्रो नहीं है इस तरह वो चोर अपने आप सामने आ जाता है और पकड़ा जाता है तो इस तरह यहाँ पे भी ये जो अकबर राजा की जो प्रॉब्लम थी आई मीन उसकी जो रिंग खो गई थी उसका सोल्यूसन ले आता है वो बीरबल और उसकी रिंग है वो मिल जाती है सो हियर एक्टिविटी फाइव इज कम्प्लीट नाउ पेज नंबर सिक्सटी नाइन हियर इज अ फ्रेश द रिंग ऑफ द एम्पयर एम्पेर मीन्स के राजा द एम्परस रिंग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है वी ऑलरेडी डन दिस चैप्टर इन अवर ग्रामर बुक ये एपोस्ट्रॉफी इसका चैप्टर हमने हमारे ग्रामर बुक में लर्न कर लिया है नाउ मेक दिस सम फ्रेसिस अब कुछ फ्रेसिस हैं उसको हम एपोस्ट्रॉपीस लगाना है द आइडिया ऑफ बिरबल जब एपोस्ट्रोफी एस पुट करेंगे तो आपको पता है कि वहाँ से एफ है वो क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा द आइडिया ऑफ बिरबल तो उसका क्या हो जाएगा बीरबल्स आइडिया द एडवाइस ऑफ द कोर्टियर द कोर्टियर्स एडवाइस द प्लेस ऑफ द किंग द किंग्स प्लेस द डेन ऑफ द लाइन द लाइंस डेन ये आपको अपने होमवर्क में करना है देन एक्टिविटी लेसन

चेटर्स अक्स अ बीयर क्रोल्स अउल हंड्स अ काउ मूज एंड एलिफेंट ट्र पैड्स तो ये क्या थे उनके साउंड्स थे तो ये साउंडस आपको ऐसे घर पर रीड करना है उसको याद भी रखना है ओके स्टूडेंट स्टूडेंट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी